अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो दैट आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन फॉर द लास्ट फ्यू डेज, सो आई कुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस टू यू, बट इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज़ फॉर यू सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट। सो टुडे वी आर गोना बिगिन द पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, पेज नंबर 59। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स देना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग समझ सकते हो कि एक्चुअली इस पोएम में हमें पढ़ना क्या है, व्हाट वी आर एक्चुअली गोना स्टडी इन दिस पोएम। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड इज़ टेकन फ्रॉम द बुक गीतांजलि। इट इज़ द 36th सॉन्ग ऑफ दैट बुक। ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और ये पोएम इनकी एक बुक, फेमस बुक गीतांजलि से ली गई है, जो इस बुक का, इस गीतांजलि नाम की बुक का जो 36 सॉन्ग है, इस बुक के ये 36 सॉन्ग है उस गीतांजलि, जो बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है उस बुक का। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर एंड द पोएट इज़ आस्किंग द लॉर्ड टू प्रोवाइड हिम विद स्ट्रेंथ टू डील विद गुड एंड बैड ऑफ लाइफ एंड द एबिलिटी टू हेल्प द पुअर एंड सर्व द अदर्स विद लव। ये पोएम जो है एक प्रेयर, एक फॉर्म, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर का, यानी ये पोएम जो है ये एक किस फॉर्म में है, एक प्रेयर की फॉर्म है। प्रेयर का मतलब यानी दुआ, ठीक है। इस पोएम में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको ताकत अता करे टू डील हिज लाइफ ऑल द टू डील ऑल द सोरोज एंड जॉयज ऑफ हिज लाइफ लाइटली, ताकि क्या कर सके रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये अपनी लाइफ की सारी बुरे वक्त और अच्छे वक्त को अच्छे से डील करने की इनको क्षमता अता करे, इनको ताकत अता करे। ये इल्तिजा करते हैं अल्लाह ताला से। एंड द एबिलिटी टू हेल्प द पुअर एंड द सर्व द अदर्स विद लव, और इनमें हिम्मत अता करे, इनको ताकत अता करे कि ये पुअर जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत कर सके, उनको उनकी हेल्प कर सके और उनकी देख उनको देख सके, यानी उनकी खिदमत में अपनी लाइफ गुजार सके, उनको अच्छे से उनको प्यार और उनकी केयर कर सके गरीब लोगों की। द पोएम बिगिंस विद द पोएट praying to the Lord to remove ill will, malice, prejudice and hatred from his heart. और इस poem में जो है रविंद्रनाथ टैगोर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने दिल से सारी बुरी चाहत, ठीक है, बुरी ख्वाहिश, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुराई, नफरत से अपने दिल को किसी के, इन सारी बुरी चीज़ों से जो है इनको दूर रखें, इनके दिल से ये सारी चीज़ें जो हैं उनको निकाल दे। ही टॉक्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ही डजंट टॉक एनी अबाउट एनी मटीरियल पॉवर्टी। इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनको जो है ज़हनी तौर पे ताकत अता करे कि ये गरीब लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके, उनकी देखभाल कर सके, अपनी लाइफ जो है गरीब लोगों की खिदमत में गुजारे। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी भी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा है, ठीक है। ये दुनिया की जो है ऐशो इशरत के बारे में नहीं कहते हैं, बल्कि इनकी ये कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये अपने के चाहते हैं कि अपनी लाइफ जो है पूरी से पूरी कोशिश करे कि गरीबों की खिदमत में गुजारे, अपने दिल से सारी बुरी चीज़ें जो हैं वो निकाल सके। ही प्रेज टू गॉड टू ड्राइव अवे ऑल सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दैट विल एनेबल हिम टू बेयर हिज जॉयज एंड सॉरोज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग। ये अल्लाह ताला से दुआ कर ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है इनको ताकत अता करे कि ये जो है अपनी ज़िंदगी में गरीबों की खिदमत करे और अपना और खुदा से जो है किसी भी किस्म का कि जो है क्या ना कर सके, कंप्लेन ना कर सके, यानी कंप्लेन का मतलब है शिकायत का मौका जो है बिल्कुल ना हो इनके दिल में। ये अपनी लाइफ जो है खुदा की मर्ज़ी के हिसाब से गुजारना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो ग्रीन बॉक्स है वो पढ़ते हैं पहले। द पोएट इम्प्लोर्स गॉड टू मेक हिज हार्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर जॉयज एंड सॉरोज। ही ऑल्सो प्रेज टू ग्रांट हिम द स्ट्रेंथ टू हेल्प द पुअर एंड टू मेक हिज माइंड फ्री फ्रॉम द एवरीडे इश्यूज। एट लास्ट ही प्रेज टू हिज लॉर्ड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू सबमिट हिज होल बीइंग टू हिज विल। जो पोएट है यहाँ पे, पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन बहुत ही फेमस पोइट रह चुके हैं हमारे कंट्री के। ये जो है इम्प्लोर्स, द पोइट इम्प्लोर्स गॉड, इम्प्लोर्स का मतलब होता है इल्तिजा, ठीक है, गुजारिश करते हैं अल्लाह ताला से कि ये क्या कर सके, टू मेक हिज, अल्लाह ताला जो है इनके दिल को इतना, इनके हार्ट को, दिल को इतना स्ट्रांग करे कि ये अपनी लाइफ में जो है जितनी भी खुशियाँ और
दुख हो, ठीक है, उनको जो है बराबर बर्दाश्त, अच्छे से बर्दाश्त कर सके. ही ऑल्सो प्रेज टू ग्रांट हिम द स्ट्रेंथ टू हेल्प द पुअर एंड मेक हिज माइंड फ्री फ्रॉम द एवरी डे इशूज़. और ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की इशूज़ होती है, ठीक है, लाइफ में हर किसी की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, ठीक है, उन सबको, हिंड्रेंसेस आती हैं, उन सबको जो है वो ये प्रॉपरली जो है फेस कर सके, उनसे डील कर सके. एट लास्ट ही प्रेज टू हिज लॉर्ड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू सबमिट हिज होल बींग टू हिज विल. और आखिर में ये अल्लाह से दुआ करते हैं, लॉर्ड से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि ये अपनी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से किसकी विल में, विल यानी ख्वाहिश, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला टू हिज़ विल, हिज़ HIS, हिज़, यहाँ पे एच कैपिटल इसलिए क्योंकि ये किसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये हिज़ एच कैपिटल जहाँ पे हो, ये मतलब होता है गॉड को, ठीक है, खुदा की मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से खुदा की मर्ज़ी के आगे झुका रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी पूरी तरह से अल्लाह के राह में जो है गुजारना चाहते हैं. दिस इज़ माई प्रेयर टू धी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माई हार्ट. जो ये पहली लाइन है, दिस इज़ माई प्रेयर टू धी माई लॉर्ड, यहाँ पे जब रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि ये दुआ करते हैं, प्रेयर का मतलब दुआ, टू दी, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, मैं ए मेरे अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ, ये मेरी आपसे इल्तिजा है. टू दी, दी का मतलब होता है यू, ठीक है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ. स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माई हार्ट, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप क्या करें, आके मेरे दिल की गहराई में झाँक के देखें, मेरे दिल की गरीबी को जो है अच्छे से समझे, उन पे उस पर गौर करें, ठीक है. मेरे दिल की पेन्यूरी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ही गरीबी, बिल्कुल गरीब दिल, ठीक है. गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सोरोज, ये कहते हैं अल्लाह ताला मुझे ताकत अता करे कि मैं क्या कर सकूँ, अपनी लाइफ की जितनी भी गुड डील्स और बैड डील्स, जितनी भी लाइफ में अच्छी सिचुएशंस या बुरी सिचुएशंस जो आएँ लाइफ में, टाइम्स आएँ, उनको जो है मैं अच्छे से फेस कर सकूँ, ठीक है, मैं उनको बियर कर सकूँ, बियर यानी बर्दाश्त कर सकूँ. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस. और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपना प्यार जो है दूसरों की खिदमत में, दूसरों के लिए मेरा प्यार जो है वो फ्रूटफुल रहे, फ़ायदेमंद रहे, दूसरों की सर्विस में, सर्विस यानी खिदमत में, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों का केयर करने में, दूसरों की मदद में, मैं जो है मेरा जो प्यार है वो फ्रूटफुल रहे, मतलब फ़ायदेमंद रहे. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिस ओन द पुअर और बैंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, मुझे ताकत अता करे कि मैं अपने आप को जो है कभी भी गरीबों से अलग न समझूँ, और बैंड माई नीज बिफोर द इंसोलेंट माइट और मैं क्या कर सकूँ, मैं मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जो है कभी भी अपना नीज, अपने घुटने जो है बैंड ना कर सकूँ किसके आगे, अनफ्रूटफुल माइंड. इंसोलेंट का मतलब होता है र्यूड, डिसरेस्पेक्टफुल, किसी भी बेइज्जत काम की और किसी भी अनफ्रूटफुल जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद ना हो उसके आगे मैं अपने घुटने कभी भी ना झुकाऊँ, मुझे इतनी ताकत दे. गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबो डेली ट्रिफल्स. डेली ट्रिफल्स मीन लाइफ में जितने डेली सिचुएशंस जो हमारे लाइफ में आती हैं, ट्रिफल्स रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती है, उन मुझे ताकत दे कि मैं उनको जो है अच्छे से, उनके ऊपर से मतलब हाई, उनको अच्छे से हैंडल कर सकूँ, उनको डील कर सकूँ. लाइफ की जितनी डेली सिचुएशंस आती है, डेली ट्रिफल्स आती है, ट्रिफल्स का मतलब होती है जिनका कोई बहुत ही कम इंपॉर्टेंस हो, थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिनकी कीमत, जिनकी मतलब बहुत वैल्यू कम हो, उनके उनसे जो है मैं ऊँचा रह सकूँ, ठीक है. एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू थाई विल विद लव, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने आप को सरेंडर, मुझे इतनी ताकत दे मैं अपने आप को पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी की आपके राह में जो है गुजार सकूँ, अपना टू दाई विल विथ लव, प्यार से, ठीक है, वो भी मतलब दिल खुशी से मैं अपने ज़िंदगी जो है पूरी तरह से अल्लाह ताला की मर्ज़ी के हिसाब से गुजार सकूँ और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से मैं अपनी लाइफ जो है पूरी तरह से गरीबों के लिए, गरीबों की खिदमत में, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो उसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ पूरी तरह से अल्लाह की विल में, विल यानी मर्ज़ी के हिसाब से मुताबिक अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.